नमस्कार पेरेंट्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक डायपर रैसेस। वेल, ये जो डायपर रैस है लगभग सब बच्चों को कभी ना कभी तो अफेक्ट करता है, और यूजुअली सारे पेरेंट्स इसके लिए वरिड भी होते हैं और बच्चे को क्लिनिक भी लेके आते हैं। तो बेसिकली मैं हमेशा पेशेंट को ये बताता हूँ कि डायपर जो है दैट इज़ ए मॉडर्न डे इविल, यू कांट लिव विदाउट इट। क्योंकि एक वर्किंग पेरेंट्स के लिए, ज़्यादातर वर्किंग मदर्स के लिए, विदाउट डायपर मैनेज करना बहुत मुश्किल है। पर डायपर यूज़ करने से कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत रैसेस होता ही है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये डायपर रैसेस क्या होता है, इसको कब घर में मैनेज करें, कब डॉक्टर को दिखाएं, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करें, और घर में भी डायपर रैस का कैसे इलाज कर सकते हैं या कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली डायपर रैस बोलने से ऐसा नहीं कि वो रैसेस डायपर से ही होता है। यूजुअली जो रैसेस डायपर एरिया में होता है उसको हम लोग ब्लाइंडली डायपर रैस बोलते हैं, जो कि हो सकता है कि एग्जैक्टली डायपर से नहीं हो रहा है, किसी दूसरे कारण से हो सकता है। हाँ, ये है कि जब रैसेस होने का टेंडेंसी है या रैसेस ऑलरेडी हो चुका है, डायपर ज़्यादा देर पहनाने से वो वाले रैसेस बढ़ जाते हैं। तो यूजुअली हम लोग डायपर को रैसेस के साथ अटैच कर देते हैं। तो लेट्स नो व्हाट इज़ अ डायपर। डायपर जो है वो एक इस तरह से बनाया हुआ है कि जो मॉडर्न डे डायपर, उसमें तीन लेयर रहते हैं। एक जो लेयर है वो अंदर के तरफ जो रहता है, दैट इज़ कॉल्ड ए फिल्टर। वो बेसिकली उसका काम है फिल्टर करना। बीच वाला जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव सर्फेस, जो कि एक स्पेशल सिलिकॉन मटेरियल है जिससे कि जितना सारा लिक्विड, जैसे सुसु, पॉटी, जो भी हुआ, जो लिक्विड पोर्शन है वो एब्जॉर्व होता है। यूजुअली वो स्पेसिफिक कंपाउंड अपने वेट से 50 टाइम्स मोर एब्जॉर्व करने का कैपेसिटी रखता है। और जो आउटर वाला लेयर होता है वो होता है एक वाटरप्रूफ लेयर, जो कि लिक्विड को बाहर निकलने नहीं देता। तो यही बेसिकली सारे मॉडर्न डायपर का वैरायटी है। डिफरेंट डायपर्स कमर्शियली अवेलेबल हैं, बस सबका लगभग यही मैकेनिज्म से काम करता है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, जब डायपर बच्चा बहुत टाइम तक पहनता है उसमें दो तीन प्रॉब्लम होता है। एक तो ये है कि बेबी का जो स्किन है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, सो एक अगर थोड़ा सा स्लाइटली टाइटर चीज़ विथ ए इलास्टिकेटेड सरफेस, कुछ एक चीज़ अगर उसके स्किन में बार बार फ्रिक्शन हो रहा है, तो माइक्रो एब्रेजन, माइक्रो इंजरी होता रहता है। हो सकता है कि वो आँख को ना दिखे पर इंजरी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। जब उस पर बार बार वही चीज़ इरिटेशन बार बार घिसता है तो इंजरी बढ़ता है। प्लस डायपर के अंदर जो मान लीजिए कि सुसु है, सुसु में भी कुछ केमिकल है, जैसे उसमें यूरिन में है अमोनिया, पॉटी है, पॉटी में भी कुछ बैक्टीरिया है, कुछ केमिकल है, वो सब जब लॉन्ग पीरियड के लिए बच्चे के स्किन में कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो वहाँ पे इरिटेशन एंड इंजरी स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे रैसेस क्रिएट होता है। तो इनिशियली जो रैसेस है वो यूजुअली डायपर एरिया में या प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा रेडिस मार्क कर देता है। दोज आर माइनर रैसेस विथ लिटिल बिट प्रिकॉशन, लाइक अगर हम लोग कुछ दिन तक डायपर अवॉइड करें या कुछ होम रेमेडी जैसे मैं बताऊंगा वो सब करेंगे, तो यूजुअली वो रैसेस 4-5 डेज, विद इन 7 डेज वो ठीक हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि डायपर पहनाने के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन लें और क्या होम रेमेडीज से डायपर रैसेस को प्रिवेंट करें। एक तो है कि जब डायपर हम लोग पहना रहे हैं, अगर पता है कि बच्चे को थोड़ा रैसेस का टेंडेंसी है या स्किन से थोड़ा सेंसिटिव है, हमेशा एक अच्छा क्वालिटी का डायपर यूज़ कीजिए। क्लॉथ डायपर से, बल्कि जो मॉडर्न डायपर है वो हो सकता है कि रैसेस कम करे। सेकंड है कि एक साइज़ ऊपर डायपर हमेशा चूज़ करें। सपोज़ आपका बेबी का वेट एंड एज के हिसाब से डायपर साइज़, कमर्शियली अवेलेबल डायपर साइज़ एम या मीडियम दिखा रहा है, गो फॉर ए लार्ज डायपर एल, एक साइज ऊपर, ताकि थोड़ा सा स्पेस बचा रहा है जिसमें कि थोड़ा एयर अंदर आ सकता है, थोड़ा वेंटिलेशन हो सकता है। ईच टाइम यू चेंज डायपर, लाइक जब भी डायपर आप चेंज कर रहे हैं, एक गीला कपड़ा लेके हमेशा ड्यूप फॉर्म वाटर या नॉर्मल वाटर में, कॉटन या
टॉवल डाल के उसमें बच्चे को स्पॉन्जिंग करके उसका प्राइवेट पार्ट्स, पॉटी, सुसु का जगह, सारा चीज़ आप पहले साफ़ कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज़रूरी है कि कुछ एक जैसे पॉटी साफ़ करने में दिक्कत हो रहा है, यू कैन यूज़ अ क्लिंजर विच इज़ अ वेरी माइल्ड वन, बेबी स्पेसिफिक क्लिंजर आप यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई टू अवॉइड वाइप्स, बेसिकली जो अल्कोहलिक वाइप्स है जिसमें अल्कोहल रहता है, वो वाले वाइप्स आप ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। नॉन अल्कोहलिक वाइप्स जो है, नॉन अल्कोहलिक वाइप है, एलोवेरा बेस्ड है, कुछ ऑर्गेनिक वाले वाइप है वो वाले बेटर होते हैं, तो वो यूज़ कीजिए। बट बेस्ट है मेरे हिसाब से कि आप अगर ल्यूकवार्म वाटर में कपड़ा डाल के उससे थोड़ा साफ़ करें तो बेटर रहेगा। एक बार जब प्राइवेट पार्ट साफ़ हो जाए तो थोड़ी देर के लिए उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद ही डायपर पहनानी है। तो क्या कर रहे हैं कि दो डायपर के बीच में हम लोग एक तो साफ़ कर रहे हैं और थोड़ा सा ड्राई होने के लिए टाइम दे रहे हैं। अराउंड 30 मिनट्स शुड बी द इंटरवल बिटवीन चेंजिंग डायपर, एक डायपर से दूसरे डायपर में जाने से पहले थोड़ा सा गैप दीजिए। ये एक, और दूसरा एक चीज़ है कि जब डायपर आप पहना के छोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे बेबी को बार बार चेक कीजिए कि उसका डायपर ड्राई है कि नहीं। हर दो तीन घंटे में डायपर का ड्राई है कि नहीं चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो हो गया कि डायपर को कैसे केयर लें। तीसरा चीज़ आता है, अगर थोड़ा थोड़ा रैसेस आने लगे हैं तो स्टार्ट सम होम रेमेडीज। होम रेमेडीज़ में बहुत सारा, जैसे आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा मेथड मिलेगा। तो यूजुअली दो तीन चीज़ हम लोग होम रेमेडीज़ में जो कि सेफ़ है बेबी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज़ ए वेरी नेचुरल, स्किन को इरिटेट नहीं करने वाला एक मॉइस्चराइज़र है जो कि रेडिली घर में अवेलेबल है। अगर नेचुरल कोकोनट ऑयल हुआ तो और अच्छा है। वो लेके डायपर एरिया में, प्राइवेट पार्ट्स में, जेनिटल्स का दोनों साइड में और पीछे आप अप्लाई कीजिए। और ये बार बार जब डायपर आप चेंज कर रहे हैं, उसके बाद ड्राई कर लिए, डायपर फिर से पहनाने जा रहे हैं, उस टाइम पे अप्लाई कीजिए। दो तीन बार दिन में कर सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा एक तरीका है कि मदर्स मिल्क। मदर्स मिल्क भी एक बहुत अच्छा नेचुरल एंटीसेप्टिक एंड मॉइस्चराइजर काम करता है। तो माँ अपने मिल्क लेके, अपना मिल्क लेके वो डायपर एरिया में अप्लाई कर सकते हैं, तो जिससे कि डायपर रैसेस प्रिवेंट होता है, उस एरिया में मॉइस्चराइज कर सकते हैं। थर्ड, घी भी हो सकता है, या घर में अगर कुछ पेट्रोलियम जेली टाइप का कुछ मॉइस्चराइजर है जो कि हम लोग यूजुअली लिप बाम्स में अप्लाई करते हैं, अगर उसमें। और एक मेथड है कि अगर आप कुछ डायपर रैश क्रीम, स्पेसिफिक डायपर रैश क्रीम यूज़ करना चाहते हैं, हमेशा ट्राई कीजिए कि डॉक्टर को पूछ के ऐसा एक क्रीम यूज़ करें जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी हार्मफुल केमिकल लाइक पैराबेंस, पैराफिन, मिनरल ऑयल्स, एसिड्स, परफ्यूम, ये सब नहीं होना चाहिए। जो सिंपल डायपर रैसेस क्रीम मिलते हैं जो कि ब्लैंड है, वही सबसे अच्छा होता है। ये हो गया होम रेमेडीज एंड प्रिवेंटिव पार्ट ऑफ डायपर रैसेस। इसको छोड़ के अब हम लोगों को जानना चाहिए कि किस टाइम पे डॉक्टर के पास डायपर रैसेस को ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत है। तो ऐसा है कि कुछ टेलटेल साइंस है, मैं बोल सकता हूँ कि रेड फ्लैग साइंस है जिसको कि मदर को देखते रहना चाहिए। फर्स्ट रेड फ्लैग साइन इज इफ़ द रैसेस आर इंक्रीजिंग, 7 दिन में वो ठीक नहीं हुए और इंक्रीज करे जा रहे हैं, तब उसके लिए डॉक्टर को ज़रूर बताएं। या तो उस एरिया में थोड़ा मॉइस्ट लग रहा है, कुछ डिस्चार्ज है, स्मेल आ रहा है, रेड हॉट मॉइस्ट रैसेस आर बैड। थर्ड है कि अगर सुसु पॉटी करने के टाइम पे बेबी बहुत रोता है, हर बार उसको जब सुसु यूरिन पास होता है तब बहुत पेन होता है और रोने लगता है, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या तो अगर आपको दिखेगा कि उसमें कुछ ब्लिस्टर्स, इरप्शंस, ब्लिस्टर मतलब थोड़ा पुस्टुल टाइप का जिसमें पस है, थोड़ा छोटे छोटे फुंसी जैसे कुछ निकल रहा है, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर को डेफिनेटली दिखा देना चाहिए। और डायपर रैसेस के साथ अगर बच्चे को फीवर हो रहा है तो रैसेस को सीरियसली लेना चाहिए। कुछ सिचुएशन होता है जिसमें डायपर रैसेस बढ़ जाते हैं,
जैसे कि मैंने बताया कि अगर वेदर चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि ये थोड़ा ह्यूमिड वेदर है, लाइक रेनी सीजन, रेनी डे, उस टाइम पे थोड़ा सा डायपर को कम कर देने से अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे रैसेस ज़्यादा होता है। या तो बेबी को किसी कारण से लूज मोशन हो रहा है, वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और कुछ एंटीबायोटिक ऑलरेडी उसको पड़ रहा है जिससे कि उसको लूज मोशन हो रहा है, उस टाइम पे भी बार बार सॉयलिंग होने से पीछे वाला पोर्शन और डायपर एरिया में रैसेस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो उस टाइम पे हम लोग का ये जो होम रेमेडीज है, डायपर रूल्स है, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, ये सब आप फॉलो करके डायपर रैसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कुछ रेड फ्लैग साइन आपको दिखा तो डेफिनेटली डॉक्टर को आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो यूजुअली हम लोग जब देखते हैं कि डायपर रैसेस एग्रेसिव है, उस हिसाब से उसको एंटी फंगल या किसी चीज़ से हम लोग ट्रीट करने का कोशिश करते हैं, जो कि 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट होता है, यूजुअली वो ठीक हो जाता है। और डायपर रैसेस से जो रैसेस बनते हैं उसके कोई परमानेंट मार्किंग वहाँ पे नहीं रहता। लास्ट में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यूजुअली बहुत सारे मदर डायपर रैसेस को कुछ एंटी फंगल पाउडर या कुछ पाउडर, टालकम पाउडर से सेल्फ ट्रीट करने का कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए। पाउडर इज़ नॉट ए सॉल्यूशन फॉर डायपर रैस। एंड एकदम जो 1 महीना 2 महीने वाले बच्चे हैं, उनको पाउडर डालने से कभी कभार वो इनहेल होके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और निमोनिया करने का भी चांस रहता है, इसलिए हम लोग पाउडर थेरेपी को अलाउ नहीं करते। तो डायपर को चेंज करने के टाइम पे ट्राई करना, कुछ देर तक डायपर फ्री पीरियड मेंटेन करना, उस एरिया में कोई होममेड मॉइस्चराइजर या मदर्स मिल्क या कोकोनट ऑयल, या आप हो सकता है कि कोई डायपर रैश क्रीम जो डॉक्टर अप्रूव्ड है वो यूज़ कर सकते हैं डायपर रैश को प्रिवेंट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सब करने से यूजुअली रैशेस प्रिवेंट हो जाते हैं। अगर कुछ सीरियस रैसेस हुआ वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप इट विल मेक योर बेबी हैप्पी एंड रैश फ्री। थैंक यू।